अमर सॉरी ड्यूटी पर हूं इसलिए दरवाजा खटखटाया नहीं। ये रही तुम्हारे गुनाहों की जन्म कुंडली। अब तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि शहर में जितने भी खून हुए तुम्हारे हाथों हुए। तुम एक पेशेवर मुजरिम हो, खून करना तुम्हारा पेशा है। शराफत से अपने आप को अमर, सच्चाई वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। असली सच्चाई सुनोगे तो तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। भांडा फूट चुका है, सारे राज फाश हो चुके हैं। विशाल की बात तो सुनो अमर। अब और नाटक मत करो रोमा। जेल की एक मुलाकात में तुमने इससे गहरा संबंध जोड़ लिया। इसे जेल से छुड़ाने के लिए दिन रात एक कर दी। और न जाने कितनी बार अपने इस यार को घर में पनाह दी होगी तुमने। तुम्हें मुझे इस तरह जलील करने का कोई हक नहीं है। हाँ, सारे अधिकार तो तुम्हारे यार के पास है ना। अमर, तुम मेरे प्यार को गाली दे रहे हो। इंस्पेक्टर अमर सक्सेना, मर्दानगी दिखाने का इतना ही शौक है तो एक मर्द पर हाथ उठाओ। औरत के पल्लू के पीछे छुपने वाले मर्द नहीं होते। आपसे मिलने आए हैं। बड़े भाई सलाम। तुम्हें यहाँ आने के लिए मना किया था मैंने, क्यों आया हो? मजबूरन आना पड़ा भाई। काशी आया। ये पुलिस वाला यहाँ कौन है? ये काशीनाथ साहू है भाई। पुलिस में हमने ये मोरा फिट करके रखा है। बड़े काम की खबर लाया है बड़े भाई। बड़े भाई, ये है तुम्हारे बड़े भाई? तो हेड ऑफिस का दरवाजा यहाँ से खुलता है। जिंदाल साहब, वैसे जिब्रान ने तो आपको मेरे रिपोर्टिंग और चार्ज के बारे में बताया ही होगा। आज मैं एक सेकंड का 5,000 रुपया लूंगा। स्पेशल बुलेटिन है ना? अरे जल्दी कर बे, भाई के पास टाइम नहीं है। ओके स्टार्ट। वो विशाल है ना, विशाल अग्निहोत्री, उसको इंस्पेक्टर अमर ने अंदर डाल दिया है। अब बचने के कोई चांसेस नहीं है। साले के बदन में चर्बी बहुत है, लेकिन सुबह तक उसका मुंह खुल जाएगा। 9 सेकंड, 45,000 रुपए दिलाए। यानी वो अभी तक जिंदा है? हाँ। और सुबह तक जबान खोल देगा तो हम कानून के मुजरिम हो जाएंगे। हाँ बड़े भाई, ये वक्त पार्टी में मौज मजा करने का नहीं, जल्दी कोई रास्ता निकालो वरना सुबह होते ही। सुबह होने में अभी 8 घंटे बाकी हैं। आज रात ही हमारे हाथ एक नया मोहरा लग जाएगा।
सुबह तक तो बाजी पलट जाएगी। देखते हैं। बारह साल की ड्यूटी में मुझे ऐसा झटका पहले कभी नहीं लगा। क्या है ए, आपके काले चश्मे ने तो पूरे डिपार्टमेंट को घोल घुमा के रखा है। अरे मान गए जिंदाल साहब, क्या बात है यार, ऐसे आदमी की तो चरणों की धूल माथे पे लगानी चाहिए। आशीर्वाद दीजिए। ये ऐसा क्यों देख रहे हैं सर? देख रहा हूँ तुम उतने हरामी दिखते नहीं जितने हो। पूरी तरफ बाप पे नहीं गया हूं ना। सरकार मेरी नैया आप लोगों के हाथ में है। आप तो बड़े बड़े लोग हैं, जब मन चाहे गुलाटी मार लेंगे, लेकिन मेरी हालत कहीं धोबी के कुत्ते जैसी न हो जाए, समझे ना? संभाल तुम सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट में रहकर हमें वहां की सारी खबरें देते रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है। समझ गया। मैं बिल्कुल छोटा भाई बन के रहूंगा, बड़ा छोटा और बीच का जिब्रान। बीच का मतलब समझ गया ना जिब्रान भाई? फालतू बात मत करो यार, भाई क्या कह रहे हैं ये समझो। वो समझ गया, मैं बिल्कुल समझ गया। हेलो गाइस, तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।